Hi guys, Namkeen Sir Stream here, it's me Sehrish. My name is Sadiq. Salima. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं आशीष चाचलानी की Bollywood reality, student life. Student life. कैसी होती है student life? अभी तो मजे की हो रही है लोगों की तो लॉकडाउन में. अरे हाँ. वीडियो चलाओ पढ़ो. ऑनलाइन क्लासेस अल्लाह उसमें मीम्स हिद्दे बन रहे हैं बेचारे. आई मीन सीरियसली मैं खुद अपने घर में छोटे बच्चों को देख रही हूँ कैसे क्लासेस ले रहे हैं. मतलब मेरा अगर एक्सपीरियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत मजा आया. खुल जाएगी ना वही मेरा मजा खराब हो जाएगा. अपनी उठो और लगाओ घर पे कौन जाए कौन पढ़े इतने घंटे तो ये काफी ज्यादा मुझे बेनिफिट अच्छा लगता है. लेकिन ये काफी पॉपुलर हो चुके आशीष चाचलानी और मतलब इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और इवन इस वीडियो को भी देखो तकरीबन 3 करोड़ व्यूज इसके ऊपर. हाँ और जून 4 को ही अच्छी तो बहुत अब मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है. अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा. अब मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है. अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा. ए चिल्लाते क्या है बे? आवाज क्या कर रहे हैं? सर मुझे स्कॉलरशिप मिली है. तो स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज की ओनरशिप नहीं. स्कॉलरशिप मिली है. उसको देख 2 साल पहले उसको भी स्कॉलरशिप मिली थी. थैंक यू सो मच सर. आपने 3 साल की सैलरी एडवांस भी दे दी. थैंक यू सो मच. अरे ये तो कुछ भी नहीं है. अगर तुम्हें चाहिए कॉलेज कमेटी की तरह से गाड़ी बंगला बीवी सब मिलेगा. Yes, my precious child. Tell me, what can I do for you? Sir, next month we have Paint Marisa annual income event. So, we need money for that. Ye lo bada. Chalo. Ye lo bada. Pen mera. Le, pakad. Ye le, chashma pen. Lagna chahiye, mere college ka bachcha hai. Phone rakho, phone rakho, phone rakho. Becho, becho, becho. Ye, college ke paper. College bech do. Lekin fest acha hona chahiye, samjhe? Sir, itne mein to zyada kuch hoga nahi, but theek hai, kar lenge just. Thank you. सर वो पैसे. कौन से पैसे? वो सैलरी सर. अरे दी तो दी. खर्च हो गई. सैलरी खर्च हो गई. वो 6 महीने पहले दी थी. 6 महीने पहले. नेक्स्ट टाइम अगर पगार मिले ना, अगर मिले तो म्यूचुअल फंड्स पे लगाना. ये देखो ये है ग्रो है. इसमें तुम म्यूचुअल फंड्स पे पैसे लगा सकते हो. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में हायर रिटर्न. वो भी यूपीआई के थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो. ऊपर से नो कमीशन नो एक्स्ट्रा चार्जेस. जब चाहे पैसा लगाओ जब चाहे विड्रॉ करो किधर भी कभी भी. वो क्या है आजकल के प्रिंसिपल हराम ही हो गए. ठीक है 6 महीने तक सैलरी देते नहीं है टीचर्स को. सिक्योरिटी ऑफिस में कुछ वाहियात लोग घुस आए. आपके कॉलेज के बच्चे. अच्छा मेरे कॉलेज के बच्चे हो. एक बात बता 10 रुपए का समोसा 5 का भुजिया 3 रुपए का प्लेट 2 रुपए का चॉकलेट होते 20 रुपए. आते हैं 100 बच्चे 20 × 100 2000 रुपए के लिए मेरे पास आयो. ये लो 2000 रुपए लो रखो. ये मैं इसकी सैलरी से काट लूंगा. सुनो हराम खोरो कभी कॉलेज भी आ जाया करो सालो. साला प्रोफेसरों के लेक्चर से ज्यादा तो कॉलेज के सामने जेसीबी की खुदाई अटेंड करते हैं लोग.
जाना। मैंने यार मेरे को शर्म आती है रिप्लाई नहीं देगी मेरे को, औकात के बाहर है भाई मैं। आईटी डिपार्टमेंट के मेरे औकात के बाहर है। एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। हाय। हाय बोला, हाय बोला, हाय बोला। मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया थे। माशी शर्म। हाय। पट गई, पट गई, पट गई, पट गई, पट गई। गिर गया था सर। Why? वो सर मैं कॉलेज से रस्टिकेट हो गया था। सैलरी कितनी लोगे? बात कर ले भैया। क्या हुआ? You had an accident? सर ये जो let me guess. तो तुम बाजू वाले बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से कूद के गिर गए थे। तुम्हें रेस्टिकेट किया गया था। अरे नहीं नहीं सर, वो आईपीएल के फाइनल में मैंने सारा पैसा चेन्नई पे लगाया था, तो सर वो बुकी लोग है ना हाथ पैर तोड़ के गए सर, इसलिए हालत है। क्या करे, अभी माँ बाप का घर बार भी लगा दिया मैंने सर फाइनल में, होता है ना सर। मैं क्या बोलता सर, मैं पुलिस नौकरी दो ना, आई नीड दिस मनी सर। सर सैलरी कितनी दोगे, डिस्कस कर ले। So presenting you international, inter-college, intimacy, intercourse and every inter-entertainment student of the year award goes to Akash Todeja, everybody! अरे भाई याद रख, सीटी में ना टाइम नहीं होता। ए भाई, मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीत गया। रोहित, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीता है भाई। ताली बजा भाई के लिए, ताली बजा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीता है। तेरे को पता भी ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं। ये देख, ये है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। शक्ल देख, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बाल झड़ गए, पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे पूरा दिन पढ़ते रहता है, आरती शर्मा में घुसा रहता है। इसे पूछ बाहर क्या चल रहा है। आईपीएल पता है तेरे को क्या होता है? एवेंजर्स पता है क्या होता है? हां, लड़की देखी जिंदगी में? लड़की देखेगा भी कैसे देखेगा, क्योंकि लॉन्डियो के नाम पे इसने जिंदगी में देखा गया। शर्मा में, स्नेत्री में, पूजा में। हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, ये होते हैं असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इनकी कहानी बॉलीवुड नहीं बताता, इनकी कहानी मैं बताता हूँ। हम स्टूडेंट्स 60 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके कॉलेज में आते हैं, क्यों? सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई। एक स्टूडेंट और एक मजदूर में कुछ फर्क नहीं होता। एक मजदूर हाजिरी लगाते,
स्टूडेंट अटेंडेंस लगाता है, मजदूर की पगार कटती है स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं, मजदूर बंबू उठाता है स्टूडेंट पेन उठाता है, मजदूर को बंबू उठाने के 600 मिलता है, हम स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? सिर्फ बंबू, वो भी किधर? अबे कभी जाके ना हमारे कॉलेज के एडमिन और ऑफिस डिपार्टमेंट में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके दिखा। अबे IIT के एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट तो इनको डॉक्यूमेंट देना होता है। आ जाओ कल आओ परसों आओ 600 साल बाद आओ, बहुत बड़ा स्टड है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बहुत लड़कियां पटाई होगी तूने, बहुत लड़कियों ने तेरे को धोखे दिए होंगे, तेरे को पता नहीं है धोखा क्या होता है। मैं बता दो तेरे को धोखा क्या होता है। धोखा वो होता है जब तू एक वायवा में जाके बैठता है और तेरा ही अपना इंटरनल टीचर एक्सटर्नल टीचर के सामने तेरी बचाता है। धोखा वो होता है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूठ झूठ के चले जाता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल है, आज अटेंडेंस नहीं मिले। और सबसे हराम खोर होते ये साले चाटू पापर लोग जो हमें मास बन के वादे देके हमारे पीठ पीछे टीचर के सामने जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चाटनी है टीचर की। इन्हें बनाने रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड चार्ट रिकॉर्ड। इन जैसे हराम खोरों की वजह से हम जैसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना है, जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें क्या मिलता है? टीचर का नेग्लिजेंस और कुछ नहीं। और भाई टीचरों की तो बात मत निकाल, ये कॉलेज में ऐसे तो जला प्रोफेसर है, इनसे अगर मैं कुछ भी बोलूं ऐसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि पूछ मत। उस दिन मैं एक टीचर के पास गया, मैंने बोला सर मैं आज असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सर दूसरे सब्जेक्ट में गया हुआ। ऐसे आंखें बड़ी करके देख रहा था जैसे उसकी छाती में हाथ डाल के मैंने उसके छाती के बाल खींच लियो। अरे सर तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो 6-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका क्या? और गलती से भी इस कॉलेज में अगर एक अच्छा प्रोफेसर आ जाते हैं जो हम बच्चों को समझता है, हमारे डाउट सॉल्व करता है, हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, उसे भी ये फैकल्टी वाले अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में निकाल देते हैं। बेसिकली इन कॉलेज वालों को हम बच्चों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ना 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 हम बच्चे खुश कैसे होंगे, हमको टेक्निकल टेस्ट पसंद है टेस्ट कैंसिल कर देते, पबजी पसंद है पबजी बैन कर देते। इनको कोई अगर बच्चा खुश दिख जाता है ना इनको विश्वास ही नहीं होता, रवि कॉलेज है ये खुश कैसे इधर उधर उधर। अरे रवि तू खुश है, एक काम करता तेरे को 8 असाइनमेंट देता हूँ, ले ले 8 असाइनमेंट। साले 4 साल से इतने असाइनमेंट और जर्नल लिखे मेरे घर पे, इतने असाइनमेंट जर्नल पड़े, अगर रद्दी वाले को भेजने निकलूंगा ना इतना पैसा कमाऊंगा अंबानी शर्मा। जो कॉलेज के सामने जो बाहर जेरॉक्स वाले ना हर सैटरडे संडे बंद क्यों रहता है? अबे हमारे इंजीनियरिंग के जेरॉक्स पर करके इतने पैसे कमाए इनकम टैक्स की रेट पड़ती है इसके अंदर, सोच इंजीनियरिंग कितना बड़ा धंधा हो गया। अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बढ़े, ना 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 इन्हें चाहिए ज़ॉम्बी जो क्या करते सिर्फ लिखते रहते असाइनमेंट जर्नल प्रोजेक्ट शीट ये सब। इनसे पूछ 4 साल तुमने क्या किया? हमने लिखा। क्या लिखा? एम एक्सपेरिमेंट लेसन कंक्लूजन, बस। और कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, बस। थ्योरेटिकल रद्दी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। और सबसे हरामी होते ये कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले, मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी, तेरे को कंपनी आएगी। कहां है तुम्हारी कंपनी? अबे आधे एवेंजर मर के जिंदा हो गए, कैप्टन अमेरिका बुड्ढा हो गए, इनकी कंपनी नहीं आएगी। और कंपनी वाले तो क्या छुट्टा काटते हैं ना, ऐसा छुट्टा काटते। 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और उधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। एक्सपीरियंस जॉब इसके लूप में हम स्टूडेंट्स पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। ओह माय गॉड, सो ट्रू, या वेरी ट्रू। मैं ब्लैंक हो गया हूं। हां तुझे मिलना चाहिए भाई, तू ही है असली स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चीज स्पीच बहुत अच्छा था। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको रिलेटेबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत ही दिल से बनाई है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो डाउनलोड करो ग्रो ऐप, क्योंकि आप इससे इजीली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स में पैसे कमा सकते हो। और जरूरी नहीं है ज्यादा पैसे लगाने, 500 और 1000 में भी काम चल सकता है। जाओ और डाउनलोड करो ग्रो ऐप। वैसे नो डाउट इसने हम लोगों को भी स्पीचलेस कर दिया अपनी बातों से। आई मीन यार एक सांस में से एक साथ कैसे पूरा होगा? जो टाइटल था कि स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है और वो जिस तरह डिस्क्राइब किया, तो एक तरह से करण जौहर की मूवी याद आ जाती है कि वो स्टूडेंट तरह के बाल उधर एंड लाइक पूरे
पूरा बॉलीवुड एक्टर की तरह एंट्री होना और ये सब टोटली वैसा ही था मेरे बिल्कुल माइंड में, यही चल रहा था पूरा इसी पे ही खत्म होगा। बट नाउ जब उसने एंडिंग जब जिस तरह की उसने स्पीच दिए, इट वॉज वंडरफुल। मतलब मैं खुद हैरान हो गई कि यार एक कॉमेडी को लेकर आप इतना अच्छा लेसन दोगे। वो अनएक्सपेक्टेड था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि हमने तो पढ़ लिया सही, बाकी जो होते हैं ना उनके लिए इतना हैवी सारा का सारा मटेरियल होता है, इतना पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट वन क्लास बच्चों को भी इतना आना चाहिए कि अपनी मम्मी के बारे में लिख सके एटलीस्ट मैक्सिमम 10 सेंटेंस। हाउ वन क्लास का बच्चा है एंड मतलब स्टार्टिंग से ही उनको इतना ज़्यादा दे देते हैं कि आपको करना है, क्योंकि इस वजह से थी कि बाकी लोग है ना तरक्की कुछ ज़्यादा ही कर चुके हुए हैं और हमें कंपटीशन करना है। ये नहीं देखते कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना आया कि वो खुद से लिखना शुरू करें। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग समझते हैं ना कि बच्चे को अगर शुरू से बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दो, पढ़ा लिखा दो, तरक्की करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वो कंट्रीज को देखो ना जो बहुत डेवलप्ड है, स्पेशली जापान, जापान को दुनिया की बेस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है। जो उसने तरक्की की है 1951 से 1980 में ह्यूमन हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया। अब आप उसकी तरक्की का राज देखें तो वो बताते हैं कि शुरू के 5 से 7 साल बच्चे को तो कुछ पढ़ने देते नहीं होते हैं, उनके लिए एग्जाम सही होते हैं और उनको सिखाया जाता है एम्पैथी, कंपैशन, सब सिखाया जाता है, दूसरों की इज्जत किस तरह की जाती है। ये जो होती है ना चीज वो आगे बढ़ने में काम, मतलब काम आती exactly. है। और वो चीज हमारे इतनी नहीं होती है, हमारे ऐसे होती है बच्चा ही नहीं है। बच्चा इतने साल का है, इतने क्या, तो उसको 5-6 लैंग्वेज तो आई जानी चाहिए उनको। मतलब उनके माइंड में ये नहीं चाहिए बच्चा किस तरह से करेगा, और हम लोग और चल रहे होते हैं कि नहीं यार करे करे करे। नहीं, इसने जो एंड में बात की ऑल्दो अग्रेसिव हो गया, लेकिन बात सही कह गया कि वो बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से निकलता भी है तो वो बस उसको खाली असाइनमेंट्स याद होते हैं, उसको बाकी प्रैक्टिकल कुछ नहीं याद है। हाँ, प्रैक्टिकली उनको इतना वो फोकस नहीं करते जितना राइटिंग पे उतना डिपेंड होके बैठे हुए होते हैं कि हाँ बस उसने जमा करवा दिया, इसका काम हो गया, इतने मार्क्स मिल गए। सो हम लोग अपने यहाँ पे गाइस एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सब्सक्राइबर को भी हमारा ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।